मैं प्रिया आपके साथ। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन को लेकर राहुल ने कहा, मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, हम सभी विपक्षी पार्टियों से बात कर रहे हैं, इस संबंध में काफी अच्छा काम हो रहा है। राहुल ने कहा, कई जगह ऐसी है जहां हम विपक्ष के साथ मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे में हमें कई मुद्दों पर एक राय बनानी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम चुनावों में साथ जरूर आएंगे। संसदीय जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी, जिसकी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। मुस्लिम लीग को लेकर राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवी ने कहा, जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थी, ये पार्टी राहुल के मुताबिक सेक्युलर पार्टी है। वायनाड में अपनी स्वीकारता बनाए रखने के लिए ऐसा करना उनकी मजबूरी है।